दोस्तों आपको सितंबर मंथ में आपको श्री केदारनाथ जी की यात्रा पर लेके जाने वाला हूँ। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर ऑन द स्पॉट बस बुक करी है, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से आपको बस लेनी है। तो हमारी बस को अभी यहीं पर रोक रखा है ऋषिकेश में, क्योंकि आगे पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर रखी है। अभी हम पहुंचे हैं देवप्रयाग में। करो जाम लगा हुआ है, देख लीजिए बहुत ताकत तक लगा हुआ है। पर ये दोस्तों एक गुप्त काशी है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ सोनप्रयाग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों आपको सितंबर मंथ में आपको श्री केदारनाथ जी की यात्रा पर लेके जाने वाला हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। वहाँ के रोड कंडीशन कैसे हैं, डोरमेट्री के क्या प्राइस होने वाले हैं और रूम के क्या प्राइस होने वाले हैं, और दोस्तों यहाँ से हरिद्वार से बस की क्या सर्विस है, उनका क्या प्राइस होने वाले हैं, और सबसे मेन बात अभी वहाँ का वेदर कैसा है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को पूरा देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप फेसबुक पर दिख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। आपको मेरा स्टाइल पता ही है, मेरा नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं SBT's स्टोरीज। दोस्तों केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने शहर से हरिद्वार आना पड़ेगा। आपको यहाँ से हरिद्वार से ही आपको बस सर्विस और टैक्सी सर्विस मिल जाएंगी। दोस्तों मैं बस से जर्नी करने वाला हूँ, तो आपको इस वीडियो में पूरी बस की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, रूट दिखाने वाला हूँ और सबसे मेन बात उसका प्राइस बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब आपको लेके चलता हूँ, आपको बस टिकट कहाँ से बुक करनी है। सामने है दोस्तों हरिद्वार रेलवे स्टेशन और उसके बिल्कुल अपोजिट में आपको मिल जाएगा बस स्टैंड, जो यहाँ का गवर्नमेंट बस स्टैंड दोस्तों, ये आपको यहाँ का मिल जाएगा। और उसके साथ में आपको मिल जाएगा दोस्तों टैक्सी स्टैंड, जहाँ से आपको टैक्सी बुक करनी है। चलिए दोस्तों आपको टैक्सी का प्राइस बता देता हूँ, क्या क्या टैक्सी के प्राइस होने वाले हैं चार धाम यात्रा के। दोस्तों आपको टैक्सी के रेट बता दूँ, अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो आपको पर पर्सन 1000 रुपये पड़ेगा, और ये दोस्तों आपका वन साइड का होगा हरिद्वार से सोनप्रयाग का। और दोस्तों अगर आप चार लोगों की टैक्सी बुक करते हैं, पर्सनल टैक्सी बुक करते हैं, तो आपको 8500 रुपये पड़ने वाले हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के वन साइड के। आपको टैक्सी दिखा दो, आपको टैक्सी कौन कौन सी मिलने वाली है। यहाँ पर इंडिगो मिल जाएगी, जिसमें आपको 4 पर्सन बैठ जाएंगे, वो आपकी पर्सनल बुक हो जाएगी। और दोस्तों ये गाड़ी आपको 8500 रुपये की पड़ेगी वन साइड, ये देख लीजिए इतनी सारी खड़ी है। और आपको यहाँ पर स्विफ्ट डिजायर भी मिल जाएगी, एक वो खड़ी वो खड़ी। दोस्तों आप यहाँ पर टैक्सी से भी जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, जैसे आपको बताया। अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो पर पर्सन आपको 1000 रुपये पड़ेगा, अगर आप पर्सनल बुक करते हैं तो आपको एक गाड़ी के 8500 रुपये पड़ने वाले हैं। दोस्तों वहाँ सामने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है, बस स्टैंड से आप यहाँ पर आगे आएंगे, इस तरफ आपको ऑफिस दिख जाएगा, ये देख लीजिए। तो आप जो सामने देख रहे हैं ये है GMOU बुकिंग ऑफिस, यहाँ से आपकी बस बुक होती है। बट ये शाम को 9 बजे बंद हो जाता है, तो मैं लेट हो गया। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर ऑन द स्पॉट बस बुक करी है, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से आपको बस लेनी है। दोस्तों वहाँ से लेकर और ये पीछे तक आपको ये सारी बसें मिल जाएंगी, जो आपको चारों धाम ले जाएंगी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये दोस्तों यहाँ पर आके आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं। मैं आपको अपनी बस दिखाता हूँ, जो इसमें मैंने अपनी सीट बुक करी है, ये बस बुक करी है दोस्तों मैंने, देख लीजिए इसमें मैंने अपनी सीट बुक करी है। ये हिमश्री एक्सप्रेस, ये देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है गौरीकुंड गुप्त काशी। मैं आपको इसका अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ, देख लीजिए दोस्तों इसमें आपको 2x2 का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और ऊपर आपको छोटा मोटा लगेज एरिया मिल जाता है। तो मैंने ये बस ये सीट बुक करी है, ये देख लीजिए, ये पुश बैक सीट है, आपको लिए मिल जाता है, इसमें आर्मरेस्ट मिल जाता है, देख लीजिए। और ये आपका केबिन है, ड्राइवर केबिन, ये देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर 7 से 8 लोग यहाँ बैठ जाते हैं ड्राइवर केबिन के अंदर, तो अगर आपको ना मिले तो आप बैठ सकते हैं केबिन के अंदर, ये देख लीजिए दोस्तों। और मुझे टिकट 500 रुपये की पड़ी है हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की। तो दोस्तों आपको ये बस मिलने वाली है, आप ऑफिस से बुक करते हैं, आप ऑन द स्पॉट आते हैं, और यहाँ से दोस्तों सुबह 2 बजे चलती है पहली बस, उसके बाद आपको 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और लास्ट बस दोस्तों 6 बजे तक निकलती है। आप अपने टाइम के हिसाब से निकल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से 2 बजे निकलेगी और फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हमारी बस को अभी यहीं पर रोक रखा है ऋषिकेश में, क्योंकि आगे पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर रखी है और वो 4 बजे खोलेंगे।
अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ऋषिकेश में आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 बजे ही आगे यहाँ से जाने दिया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, अभी यहाँ पर 3 बज रहे हैं, अभी तो 1 घंटा में यही वेट करना है। तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग, अभी हम पहुंचे हैं देवप्रयाग में। ये देख लीजिए मेरे पीछे, बहुत सुंदर दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, इसमें से एक भागीरथी है और एक अलकनंदा है, आगे जाके दोस्तों ये गंगा बन जाती है, देख लीजिए। इसका इसको बोलते हैं देवप्रयाग। तो दोस्तों हमारी बस ने यहाँ पर हॉल्ट लिया है, इस जगह का नाम है रामपुर। तो यहाँ पर फ्रेश वगैरह होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और मेरे पीछे दोस्तों ये देख लीजिए, ये होटल है, रेस्टोरेंट है। आपको मैं अभी ये वीडियो खा देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या खाने को मिल सकता है। दोस्तों ये रेस्टोरेंट देख लीजिए, रेस्टोरेंट का नाम है चार धाम होटल एंड रेस्टोरेंट। आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ उसका सिटिंग एरिया, देख लीजिए दोस्तों इसका कुछ सिटिंग एरिया होने वाला है। और यहाँ पर आपको मेन्यू मिल जाता है, आपको यहाँ मैगी, डोसा, चाय, पकौड़ा वगैरह सब मिल जाएंगे। देख लीजिए ये है इसका मेन्यू, आपको प्लेन डोसा 100 रुपये का, और ये सारी चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप यहाँ पर खा भी सकते हैं और अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, कितना सारा दोनों तरफ मलबा पड़ा हुआ है। और ये देखो दोस्तों, एक एक बार में एक कार निकल रही, क्योंकि आधा रोड पूरा मलबे से ढका हुआ है। अभी तो फिलहाल दोस्तों मौसम साफ है, ये सारा हाल बारिश के टाइम होता है। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था उस साइड में। करो पर जाम लगा हुआ है, देख लीजिए बहुत आगे तक लगा हुआ है। और ये दोस्तों एक गुप्त काशी है, ये सारा रास्ता बहुत जाम से आ रहा है। यहाँ से नीचे तक कम से कम आपको 200-500 मीटर तक नीचे लाइन लगी हुई है। और ये लाइन दोस्तों ये भी लाइन के 200-500 मीटर की लगी हुई है, बहुत जाम लगा है। हम वैसे दोस्तों पहुंचने वाले थे 2 बजे, बट अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। यहाँ से बर्फ़ के पार्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, वो सामने देखिए अगर आपको विजिबल हो तो।
इसका मुंह बाहर को घुमा। आप जो सामने दिख रहे हैं दोस्तों, वो घर गिरा हुआ है, देख लीजिए, वो लेंस लाइटिंग की वजह से नीचे घर गिरा हुआ है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोन प्रयाग में। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सोन प्रयाग। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी बस 2 बजे चली थी और यहां पर सोन प्रयाग 1 बजे आई है, तो पूरे 11 घंटे मुझे लग चुके हैं यहां पर आने में। अब आपको दोस्तों यहां पर स्टेप्स बताऊँगा, डॉर्मेट्री भी, होटल भी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये होटल है, मैं आपको जो होटल दिखाने वाला हूँ ये देख लीजिए। नीचे आपको 4 बेड और 3 बेड मिल जाएंगे और ऊपर आपको ये 2 बेड और 3 बेड मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अब रूम दिखाता हूँ। सो दोस्तों आप देख रहे हैं ये होटल। आपको अगर सोन प्रयाग में होटल लेना है तो आपको रूम दिखा देता हूँ। इस होटल का नाम है होटल शिखर। अब रूम नंबर है 101। ये देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का कमरा मिल जाए आपको। 3 बेड आपको यहाँ मिल जाता है, टेबल मिल जाता है, चेयर्स मिल जाती है आपको, और ऊपर फ़ैन मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर ठंड रहती है तो AC की जरूरत नहीं पड़ती। और डस्टबिन आपको मिल जाता है यहाँ पर। और ये दोस्तों आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का आपको वॉशरूम होने वाला। आपको गीज़र मिल जाता है गर्म पानी के लिए, देख लीजिए। ये कुछ होटल आपका होने वाला है रूम। और दोस्तों इसका टैरिफ अभी ऑफ सीज़न है तो अब यहाँ पर इसका टैरिफ 1000 रुपये है। और वैसे अगर आप ऑन सीज़न आएंगे मई जून जुलाई के महीने में तो आपको ये रूम 1500 या 2000 रुपये तक का मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, और मैं दोस्तों अब आपको मैं डोरमेट्री दिखाता हूँ। आपको अगर सस्ते में देखना है, बजट में देखना है, तो आपको मैं डोरमेट्री भी दिखा देता हूँ। और होटल के साथ में आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट मिल जाएगा, सामने लिखा हुआ पहाड़ी किचन। तो आप यहाँ पर खाना वाना खा सकते, देख लीजिए दोस्तों। मैं आपको यहाँ के मेन्यू वगैरह दिखा देता हूँ। इसका सिटिंग एरिया है इस रेस्टोरेंट का। और दोस्तों ये इसका मेन्यू देख लीजिए, आपको यहाँ पर सारा मिल जाएगा खाने के लिए। ये सारा दोस्तों सोन प्रयाग का एरिया देख लीजिए। यहाँ पर आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे और इसके अपोजिट में आपको डोरमेट्री और लोकल रूम मिल जाएंगे। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लोकल मिल जाएंगे, आप वहाँ सामान वगैरह जमा करवा सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर सारा सामान मिल जाएगा, खाने पीने का, कपड़े कपड़े आपको सब मिल जाएंगे, रेनकोट भी मिल जाएंगे दोस्तों आपको। वो मैं दिखाने वाला हूँ, देखो सामने वहाँ पर है, आपको देख लीजिए दोस्तों। आपको ये डोरमेट्री मिल जाएगी, देख लीजिए, ये पर पर्सन 200 रुपये की है। आपको यहाँ गद्दा मिल जाता है, रजाई मिल जाती है, और आपको एक तकिया मिल जाता है, देख लीजिए। बहुत सारी दोस्तों मैं आपको आगे तक दिखा देता हूँ। जी देख लीजिए, बंक बेड लगे हुए हैं, ऊपर भी है, नीचे भी है, और दोस्तों यहाँ पर बीच में, सेंटर में भी, नीचे में भी है। और ये सो इनके पास ही इनका लॉकर रूम भी है। लॉकर की आपको प्राइस बता देता हूँ, ये सामने लिखे हैं आपके, देख लीजिए सारे लॉकर के प्राइस है। देखो दोस्तों यहाँ बैग रखे हुए हैं, बिल्कुल सेफ रखे रहते हैं बैग, कोई दिक्कत नहीं आती है बैग के। और धूम्रपान करना सख्त मना है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, देख लीजिए दोस्तों। आपको यहाँ फ़ैन वगैरह मिल जाते हैं अगर यहाँ पर कोई सफोकेशन होती है। वैसे दोस्तों आप फ़ैन की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ठंडी रहती है। ये सारा दोस्तों सोन प्रयाग का एरिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये आप होटल ले सकते हैं, मिनिमम प्राइस दोस्तों यहाँ पर 1000 रुपये रहते हैं क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है। अगर सीज़न में आते हैं तो आप वही 2000 रुपये 2500 रुपये जाते हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया इससे पहले एक रूम, आप वो भी रूम ले सकते हैं, वो स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है, ये देख लीजिए दोस्तों। और इस तरह आपको डोरमेट्री मिल जाती है, जैसे मैंने आपको बताया भी, वहाँ पर लॉकर रूम भी और डोरमेट्री भी आपको यहाँ मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर दुकानें भी हैं, आप यहाँ सामान वगैरह भी ले सकते हैं। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, आप देख लीजिए, आप जो अपने घर से रजिस्ट्रेशन करके लेके आएंगे वो यहाँ पर वेरीफाई होगी। और अगर नहीं लेके आए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, उन पटाखे देख लीजिए व्हाट्सअप नंबर पर। आप इस ये नंबर आप व्हाट्सअप पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा और बेसिक डिटेल आपसे पूछ जाएंगी। और आप अगर नहीं लेके आए तो आप यहाँ पर भी अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और अभी आगे यात्रा शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही ये गेट खुलता है। 5 बजे के बाद ये गेट बंद हो जाता है, फिर यहाँ से आगे यात्रियों को जाने नहीं देते। तो आप सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में ही आप अपनी यात्रा स्टार्ट करें, नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप 5 बजे के बाद करेंगे, क्योंकि फिर आपको जाने नहीं देंगे। मार्केट है सोन प्रयाग की, ये सारे आपको ढाबे वगैरह यहाँ मिल जाएंगे, देख लीजिए। आपको यहाँ पर पजामा ट्रैक सूट आपको यहाँ मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर टोपा वगैरह देख लीजिए, मफलर मिल जाएगा आपको यहाँ पर, आपके फ़ोन के लिए कवर मिल जाएगा। और दोस्तों ये है रेनकोट जो 100 रुपये का दे रहे हैं, क्वालिटी इसकी नॉर्मल ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, आपको सारे में आपको दुकान वगैरह मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ जैकेट लेना तो आप जैकेट वगैरह ले सकते हैं, देख लीजिए। आपको यहाँ पर अम्ब्रेला मिल जाएंगे, देख लीजिए दोस्तों, ये सारी मार्केट है दोस्तों। आपको यहीं से जाना पड़ेगा आगे गौरीकुंड के लिए, जो आपको मैं सुबह, सॉरी, जो आपको मैं सुबह दिखाऊंगा 4 बजे। तो आपको लोकल रूम यहाँ भी मिल जाता है, अगर आप अपना सामान जमा कराना चाहते हो तो यहाँ भी कर सकते हैं। आपको यहाँ जूते वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, देखिए
ये सारी मार्केट है आपको सोन प्रयाग की। आपको यहाँ पर ढाबे होटल सब कुछ यहाँ पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर जूते चप्पल वगैरह सब आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको यहाँ माला रुद्राक्ष एक मुखी तीन मुखी पंचमुखी सब यहाँ मिल जाएंगे आपको, ये देख लीजिए। और वो सामने आपको लाइन से ढाबे मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर पनीर चाउमीन चाइनीज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग करते हैं पेंट। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको श्री केदारनाथ जी की यात्रा दिखाऊंगा और मैं अपनी यात्रा सुबह 4 बजे से करूंगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय।